बिलासपुर के सूर्यवंशी समाज के लोगों ने प्रथम वर्ष धूमधाम से मनाया। वहीं देश भर में आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई गई। चारों तरफ बाबा की जय जयकार हुई, जिसमें लोग बाबा के योगदान को याद किए। बता दें कि संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पहली बार सूर्यवंशी समाज द्वारा मनाई गई। तोरबा में रहने वाले सूर्यवंशी समाज ने पहली बार बाबा साहेब की जयंती मनाई, जिन्होंने कहा कि निश्चित ही बाबा साहब की वजह से समाज में बदलाव लाया है, जिन्हें लोग अपना आदर्श मानते हैं, जिनकी वजह से छुआछूत की भावना कम हुई है। ऐसे महान पुरुष को याद करना बहुत सौभाग्य की बात है। आपको बता दें कि तोरबा में समाज के लोगों में बाबा साहब की जयंती को लेकर एक अलग सा उत्साह नजर आया, जिन्होंने बाबा के फोटो के चित्र पर माला पहनाया, उसके बाद उनके किए गए कार्यों को याद किया। यही नहीं, बाबा साहब ने समाज के लिए क्या किया है और संविधान को लेकर कैसी लड़ाई लड़ी है, उस पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। इधर सूर्यवंशी समाज के लोगों ने कहा कि बाबा साहब को हर साल याद किया जाएगा और बाबा साहब के नाम पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि लोग इनके महत्व को समझ सके। इस अवसर पर समाज के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस सुनहरे पल को याद किया। जी बताएंगे, संविधान दिवस का जयंती पर किस तरह कार्यक्रम हुआ? तो बहुत कल जब ये लड़के लोग आए, आज के लड़के कार्यक्रम आए, बोले हम लोग ये कार्यक्रम करने को सोच रहे हैं तोरबा कहाँ पे भाई, बोले शिव मंदिर मावला खुशी हो रही है, कहाँ पे जाना शहर तरफ देखने जाता था, पर आज मेरा समय के लिए हो गया, इतनी खुशी है और मुझे आमंत्रित किया, मैं इसलिए भी खुश हूँ। मेरे कार्यकाल में समाज द्वारा बाबा अम्बेडकर जयंती को धूमधाम से मनाया गया है। आने वाला वर्ष भी भगवान चाहेगा इसलिए अच्छा बनेगा और मैं हमेशा छोटे मोटे कार्यक्रम में आप लोगों का आग्रह करता हूँ कि समाज को हमेशा याद करता है। आज मैं फिर मंच में आया हूँ, इसलिए समाज को और समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। जी बताएंगे, आज बाबा साहब का जयंती मनाया जा रहा है, किस तरीके से मनाया जा रहा है? संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है। उनकी जयंती के अवसर पर आज तोरबा वार्ड नंबर 21 में भव्य प्रोग्राम रखा गया है तोरबा सूर्यवंशी समाज द्वारा, और ये पहला साल है कार्यक्रम का। बहुत भव्य तरीके से यहाँ की जो आयोजन समिति ने बहुत ही अच्छे से आयोजन किया है, आने वाले वर्षों में आयोजन को और भव्य रूप से किया जाएगा। पूरे वार्ड वासियों ने इसको भरपूर आनंद किया और बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया। आज अम्बेडकर जयंती तोरबा मनाया गया, किस तरीके से मनाया गया? हमारे तोरबा के साथियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को बहुत ही उल्लास के साथ मनाया है, और सबसे अच्छी बातें हैं कि जितने तादाद में पुरुष वर्ग के लोग थे, उतने ही तादाद में महिलाएं भी इधर इकट्ठी हुई, जबकि शहरों में ऐसा बहुत कम होता है कि घर से महिलाएँ निकल के बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को बड़ा उत्साह के साथ यहाँ मनाया। क्या लगता है आने वाले समय में किस तरीके से बाबा साहब का संदेश पहुंचेगा? अभी लोगों तक, जन जन तक के बाबा साहब के संदेश बहुत अच्छे से जा रहा है। जब शहरों में इस तरह से पहले क्या होता था कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सिर्फ अम्बेडकर चौक मनाते थे, आने वाले समय में हमें लगता है कि और विशालतम तरीके से लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते। ठीक है।